हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द डिटेल्स अबाउट हकल्स रूल इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एरोमेटिक व्हाट इज़ एंटी एरोमेटिक एंड व्हाट इज़ नॉन एरोमेटिक इसमें हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल के हेल्प से हकल्स रूल को प्रॉपर्ली समझेंगे प्लस कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है कौन से कंडीशन पे नॉन एरोमेटिक होता है इन सबको एक प्रॉपर वे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। so coming to the details about rule. तो rule में हमें फॉलो करता है फर्स्ट थिंग इज दैट हमारा जो कंपाउंड होना चाहिए वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए मीन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए उसके अलावा हमारा जो भी कंपाउंड होगा वो साइक्लिक होगा इट शुड बी साइक्लिक सेकेंड कंडीशन होता है हमारा इट शुड बी प्लेनर वो एक सिंपल प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए एक सिंगल प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए थर्ड कंडीशन इज दैट वो एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए मीन्स उसमें जो भी कार्बन आइटम्स हैं वो एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए देन नेक्स्ट कंडीशन होता है हमारा फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हकल रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारा कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा जब फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन के कंडीशन को फॉलो करेगा ये कंडीशन क्या होता है यहां पर एन इज इक्वल टू इंटीगर जीरो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाएगा टू और n की जगह वन लिखते हैं तो फोर इंटू वन इज इक्वल टू फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स एंड सब्सिक्वेंटली यहां पर n की जगह टू थ्री फोर फाइव करते जाएंगे तो यह हो जाएगा टू सिक्स टेन फोर्टीन एटीन और इसी सीक्वेंस में ये फोर के उसमें बढ़ते जाएगा ट्वेंटी टू लाइक दैट ठीक है तो जो भी कंपाउंड इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो चार दस चौदह 18 या फिर हमारा फोर एन प्लस टू का रूल जो फॉलो करता है वो हमारे कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक इसमें एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग किसका बेंजीन का तो यहां पर आपको पता है कि बेंजीन क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर है ठीक है ये हमारा स्ट्रक्चर बेंजीन का है अब इसमें देख रहे हैं कि यहां पर थ्री डबल बॉन्ड्स है थ्री डबल बॉन्ड मीन्स सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिकॉज यहां पर पाई बॉन्ड कितने हो गए डबल बॉन्ड जो है यहां पर तीन है मीन्स हमारे पास तीन पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है तो टोटल थ्री पाई बॉन्ड में कितने हो जाएंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब यहां पर इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है तो ये रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है इसको देख लेते हैं सो इट इज़ फॉलोइंग फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन रूल यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो फोर एन प्लस टू का जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है मीन्स यहां पर एन इज इक्वल टू वन है तो फोर इन टू वन प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स तो टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है अल्टीमेटली ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा बेंजिन है ये बाकी के कंडीशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलरेडी बहुत सारे कंडीशंस डिस्कस किए हुए हैं सो बिफोर वाचिंग दिस वीडियो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस प्ले लिंक अप दोन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज हियर इन द आई बटन तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर तो यहाँ पर बेंजिन का स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो ये साइक्लिक वाला कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं सेकंड कंडीशन होता है कि हमारा प्लेनर है कि नहीं तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये कार्बन एटम्स है सिक्स कार्बन एटम्स ये सारे एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड है और जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जितने भी एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं वो एक प्लेन में प्लेनर में प्रेजेंट होते हैं मीन्स उनका स्ट्रक्चर टू डी होता है तो ये प्लेनर भी है और इसके सारे कार्बन एटम्स क्या होते हैं एस पी टू और यहां पर से हमने देख लिया कि इट इज फॉलोइंग पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल तो ये हमारा क्या होगा बेंजीन हमारा क्या होता है एरोमेटिक होता है यही बेसिक चीज है हकल्स रूल हकल्स रूल का का अब हकल थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं उसके बाद फिर बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल्स इसमें एक्सप्लेन करेंगे सो so, प्रेजेंस ऑफ फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए यहाँ पर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है जो हमारा एरोमेटिक होता है सो प्रेजेंस ऑफ फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन बाई हकल रूल सो हकल रूल के अकॉर्डिंगली फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन किया था हकल ने सेकेंड पॉइंट इज हकल कैरिड आउट मॉलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ मोनोसाइकलिक सिस्टम एंड कनेक्टेड एरोमेटिसिटी विद द प्रेजेंस ऑफ फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स तो अकॉर्डिंग टू दिस हकल रूल मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट किया किसका मोनोसाइक्लिक सिस्टम मोनो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और उसमें केवल एक साइकिल होगा उसके लिए हकल रूल होता है कनेक्टेड एरोमेटिसिटी विद द प्रेजेंस ऑफ टू पाई इलेक्ट्रॉन और जब उसमें फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होता है तो वो पर्टिकुलर जो कंपाउंड होता है वो पर्टिकुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो एरोमेटिक होता है ये अकॉर्डिंग टू हकल रूल कंडीशन है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल बहुत सारे कंडीशन होते हैं फर्स्ट इज दट मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलिन्स प्रोसेसिंग दिमेट्री ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन है स्टेबिलिटी तो जितने भी मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलिन्स होते हैं मीन्स मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं मीन्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मीन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड या फिर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड हम लोग बोल सकते हैं वो जब होता है तो सिमेट्री होता है और उसमें रेगुलर पॉलीगॉन होता है और एक क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन सेल प्रोड्यूस होता है जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन का जो लूप फॉर्मेशन होता है लूप होता है ठीक है एंड अ कॉन्सिक्वेंटली एरोमेटिक स्टेबिलिटी उससे क्या होता है एरोमेटिक स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की बढ़ जाती है सेकंड कंडीशन इज दैट इफ द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इन एक विद द फॉर्मूला फोर एन फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन वेयर तो यहां पर जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है इस रूल के अकॉर्डिंगली होता है तो यहां पर क्या होता है एन इज इक्वल टू इंटीजर दैट इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये आगे जाते जाएगा तो इस तरीके से जब होता है तो क्या होता है दस एनी मॉलिक्यूल इसके अकॉर्डिंगली इस फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल में एन की जगह हम लोग इंटीजर का वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा जीरो रखेंगे तो टू हो जाएगा वन रखेंगे तो यहां पर यह सिक्स हो जाएगा टू रखेंगे तो टेन हो जाएगा थ्री रखेंगे तो फोर्टीन हो जाएगा फोर रखेंगे तो एटीन हो जाएगा फाइव रखेंगे तो ट्वेंटी टू हो जाएगा ऐसे आगे वो बढ़ता जाएगा तो जिसमें भी ये इलेक्ट्रॉन होते हैं टू सिक्स टेन फोर्टीन एटीन और इस सब्सिक्वेंटली इसी सीरीज में जब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो सारे कंपाउंड क्या होते हैं एरोमेटिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा हकल रूल अब इसमें बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं कौन से एग्जाम्पल में कैसे कैलकुलेट करना है कौन सा एरोमेटिक होता है कौन सा नॉन एरोमेटिक होता है कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है उसका कैलकुलेशन क्या होता है अब देखते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन फॉलो करेगा मीन्स साइक्लिक होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए एस टू हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन का जो रूल है फॉलो करना चाहिए ये सारे रूल कोई भी कंपाउंड फॉलो करेगा तो वो हमारा एरोमेटिक होता है इसके अलावा होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो साइक्लिक भी होते हैं प्लेनर भी होते हैं एस टू हाइब्रिडाइज्ड भी होते हैं बट उसमें फ़ोर एन प्लस टू रूल फॉलो नहीं होता है उनमें फॉलो होता है फ़ोर एन पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल तो इस तरीके के जो भी कंपाउंड है, होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं इनका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अब इसके अलावा क्या होता है हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं कुछ कंपाउंड्स जो इनमें से कुछ कंडीशन को फॉलो करते हैं बट एटलीस्ट वन कंडीशन को फॉलो नहीं करते आधर साइक्लिक होगा तो प्लेनर नहीं होगा एसपी टू हाइब्रिडाइज हो सकता है यदि SP2 hybridized है और प्लेनर है तो साइक्लिक नहीं होगा means जो भी कंपाउंड साइक्लिक नहीं होगा तो वैसे भी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता ठीक है तो इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन या फिर दो कंडीशन को फॉलो नहीं करता है वो सारा नॉन एरोमेटिक होता है ठीक है तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक साइक्लोप्रोपीन इसी का हम लोग एक केटायन लेते हैं साइक्लोप्रोपेनिल और साइक्लो प्रोपेनिल एनाइन तो इसमें से कौन सा एरोमेटिक कौन सा एंटी एरोमेटिक कौन सा नॉन एरोमेटिक होता है वो हम लोग देख लेते हैं तो पहले ये स्ट्रक्चर देखते हैं साइक्लोप्रोपीन तो इसमें देखेंगे तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस कंडीशन में क्या हो गया ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया तो हमारा फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गया इट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर अब ये जो थर्ड कार्बन है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या होगा

ये होगा हमारा नॉन है? है, है. है बट इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए नॉन एरोमेटिक होगा ठीक है अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं साइक्लोप्रोपेनिल तो यहां पर देख रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेनिन प्रोपेनिल, प्रोपेनिल केटन है इसमें अब यहां पर केटायन है पॉजिटिव आयन है मीन्स यहां पर क्या हो गया यहां पर हमारे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है और ये एस पी टू हाइब्रिडाइज हो गया क्योंकि पॉजिटिव आयन है मीन्स यहां पर एक खाली पी ऑर्बिटल है तो उस खाली पी ऑर्बिटल में हमारे ये जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स ये घूम सकते हैं वहां पर और ये जो खाली पी ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में प्रेजेंट है और ये एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो अब तीनों कार्बन ये वाला

फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया ये कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक ठीक है यहां पर ये जो यहां पर इस कार्बन पे पी ऑर्बिटल है और वो सेम प्लेन में प्रेजेंट है जो मैंने पहले ही बता दिया तो इसको फॉलो कर रहा है इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया इसका मतलब ये नॉन एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा और नॉन एरोमेटिक भी नहीं होगा अब हम लोग थर्ड कंपाउंड देख लेते हैं इसी का साइक्लोप्रोपेनिल एनायन ठीक अब यहां पर निगेटिव आयन आ गया निगेटिव आयन आ गया मीन्स यहां पर पी ऑर्बिटल है और सेम प्लेन में है वो पी ऑर्बिटल और उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए ठीक है तो ये साइक्लिक भी होगा अब यहां पर टू इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल इन सेम प्लेन यहां पर ये यह जो है एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड हो गया है अब अब क्यों क्योंकि यहां पर पी ऑर्बिटल है सेम प्लेन में है और वहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए ठीक है एक निगेटिव चार्ज है मतलब बाहर से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वहां पर टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो गए अब ये प्लेनर भी हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो जाएगा और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहां पर फोर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन तो यहां के कहां पर ये पाई बॉन्ड के और दो इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल से आ गए टोटल फोर इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब क्या कर रहे हैं फोर एन प्लस टू रूल को फॉलो कर रहा है क्या ये नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर फोर इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां पर टू या फिर इलेक्ट्रॉन होने से फोर एन प्लस टू रूल को फॉलो करेगा 4, तो इस रूल को कर रहा है तो क्या हो गया हमारा ये कंपाउंड हमारा हो गया एंटी ये तो हमारे पास तीन कंपाउंड थे सेम स्ट्रक्चर के साइक्लोप्रोपीन जो हमारा नॉन एरोमेटिक था साइक्लोप्रोपेनिल के जो हमारा एरोमेटिक था और साइक्लोप्रोपेनिल एनआन जो हमारा एंटी एरोमेटिक था सो आई होप आपको हकल रूल एरोमेटिक एरोमेटिक एंटी नॉन एरोमेटिक इन सब के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया होगा अब अपकमिंग वीडियोस में हम कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है और कौन सा नॉन एरोमेटिक होता है सो थैंक यू सो मच